जिले के बिस्टान में दो प्रतिष्ठित गजानन ट्रेडिंग फूड और पुष्कर ट्रेडिंग पर चोरों ने हजारों रुपए की तुअर और डालर चने पर हाथ साफ किया। श्री गजानन ट्रेडिंग फूड नरेश अग्रवाल ने बताया कि 21 अप्रैल को रात में अज्ञात बदमाशों ने हमारे गोडाउन से तुअर की 19 बोरी पर भी चोरों ने हाथ साफ किया था, जिसकी रिपोर्ट बिस्टान थाने पर की गई थी। फिर कुछ दिनों बाद मंगलवार 30 अप्रैल को अज्ञात चोर बाउंड्री की दीवार को तोड़कर चोरी कर रहे थे। उसी समय चौकीदार भाईराम निवासी भदूड़ की नींद खुलने से चोर भाग गए। अग्रवाल ने यह भी बताया कि थाने पर रिपोर्ट के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही। इस संबंध में थानेदार ज्ञानू जायसवाल से बात की गई तो ऐसी कोई घटना नहीं है, फिर आचार संहिता चल रही है, और भी लोग रहते हैं और हमारे जवान गश्त करने की बात कही। काम कर रहे हैं उनमें असुरक्षा की भावना हो रही है, उसके लिए कल रात को भी हमने हमारे स्तर पे 10 से 15 हमाल फैक्ट्री में रात को रुकवाए और उनसे हमने चौकीदारी वगैरह करवाई। पुलिस प्रशासन भी कल गश्त पे था, 2 बार आके गए, मगर फिर भी अभी तक किसी ठोस जानकारी की हमें कुछ सूचना नहीं मिल रही है। हम प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों का पता लगवाए और हमारी जो असुरक्षा की भावना हो रही है उसको दूर करें। अगर पुलिस प्रशासन इस काम में नाकामी तो आगे क्या कार्रवाई करोगे आप? अभी तो हमें फिलहाल पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। यदि पुलिस प्रशासन स्थानीय स्तर पे नाकाम रहती है तो फिर एसपी महोदय को हम ज्ञापन देंगे, सभी व्यापारियों की तरफ से हमारे पर्सनली जो भी हम कर सकते हैं एसपी महोदय से निवेदन करेंगे। आपके अलावा अन्य जगह पे कोई घटना हुई क्या? कुछ रोज पहले हमारे से थोड़ी दूर पे जो पुरुषोत्तम जी गुप्ता की खेती है, उनका कारखाना है, वहां से 70 कट्टे डॉलर चना चोरी गया, ऐसा उन्होंने बताया है।